गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और क्या हो रहा है? कैसे हो बता दो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखो हार्दिक, हमने कल एक हाथ किया। असल में क्या हुआ, जब हमारा वापस कलर आया तब तक रात के 8:30 करीबन हो चुके थे, तो फिर हमारा मन हुआ नहीं करने का क्योंकि थक गए थे पूरे दिन भर से। आज कर देंगे कुछ ऐसा हो चुका है सुबह, और अब फिर इसमें स्टार्ट करते हैं, ये पूरा करते हैं अभी के अभी और फिर ये करेंगे। देखो कैसे गंदे हो चुके। अरे ओए ओए रुको रुको, इसमें पानी वो है, नीचे कलर है बेटा, उसमें नीचे चोट लग जाएगी इससे। ओए नहीं, ऊपर फिर चोट लग जाएगी तेरे को, फिर उतरेगा कैसे? नहीं 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 नहीं, इसके अंदर देख, ये वो कलर रख रखा है नीचे, कट जाएगा पैर पैर इससे। हाँ अब मत करना शैतानिया से। तो गाइस शॉर्टकट देखो मेरा, ये शॉर्टकट है तेरा? हाँ, मेरी बदमाशी का शॉर्टकट। देख यहाँ पे इस साइड से पैर रखने का नहीं है इसमें, लगभग ये रिवर्स होता है ना। ओ बॉय साहब, तो गाइस मैंने ये होल बना लिया है वापस, अब इसमें वॉलेट मिला देते हैं। वॉलेट से होता है ये कि चमक आ जाती है व्हाइट कलर के अंदर, तो खूब सारा डालते हैं। जैसे ये चमक आई है? नहीं ये चमक अलग है, छत की जो चमक होती है ना जैसे, वैसे व्हाइट के अंदर अगर वॉलेट मिला है ना तो इससे बहुत सुंदर हो जाता है। कैसे? नील है ये एक तरीके का। तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे ही डाल देते हैं ये। नील डालने से चमक अच्छी। भाई ऐसे लग रहा है भूतनी के अंदर घुस रही है। हाँ। पानी के अंदर भूत। गाइस आपको भूतनी के अंदर का व्यू दिखाऊं? तो पापा ने स्टार्ट कर दिया किचन में, सिंगल हाथ स्टार्ट कर दिया। करूं और मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ऊपर का पूरा कर दिया, अब नीचे का होगा, सूखते ही चमक जाएगा। अभी देखते जाओ, अब ये पूरा कंप्लीट होने में बस 20-25 मिनट में हो जाएगा। ऊपर का मैंने अभी भी कर ही दिया पूरा। पापा को यहाँ पे कह दिया सिंगल हाथ मार देंगे जल्दी से, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट हो जाऊँगा यहाँ पे। थक गए यार, घर के काम करने में मज़ा तो आता है पर थकान हो जाती है। देखो कैसे आलू रखे हाथ के, सुना पड़ा हूँ पूरा। तो सामान लेके आ गया हूँ वापस, अब इस काउंटर टॉप की घिसाई करेंगे। देखिए ये ऐसा हो रखा है, इसको क्या घिसाई करके थोड़ा चमका देंगे। मुझे लग तो निरा ज़्यादा साफ हो जाएगा, पर कोशिश करके देखते हैं। अब जो काम करने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा धूल वाला काम है, घिसाई। इसमें धूल उड़ेगी खूब ज़्यादा, इसीलिए दूसरा हाथ बाद में होगा। इसको ढक देते हैं, इसको बंद करेंगे, बाहर गंदगी ना जाए और धूल उड़ेगी अच्छी वाली। अब देखो, तो खूब सारे मास्क लगाऊंगा नाक पे, तब काम होएगा। दो मास्क तो लगाने ही पड़ेंगे, एक ऐसा एक बांधने वाला। घिसाई चालू हो गई है, अब घिसते हैं इस मशीन से। देखो कितना धुआं है, नानी याद आएगी मुझे। तो मैं इतना सा काम करके इतना बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत धूल उड़ रही है भैया, बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। एक्चुअली ये मैं पैसे बचा नहीं रहा होता हूँ, इससे ज़्यादा डॉक्टर के दवाई का खर्चा आ जाएगा मुझे पता है, पर मुझे तसल्ली मिलती है, मैं अपने काम खुद करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। पैसे दे के तो हर कोई करवा सकता है, खुद करे जो कर रहे इंसान वो भी तो इंसान ही है, तो हम भी वही इंसान है तो हम ही कर लेते हैं। डॉक्टर के पैसे जाएंगे ज़रूर, पर संतुष्टि ये मिलेगी भी हमने किया। गाइज जिंदगी में सब कुछ कर लेना, पर ये घिसाई का काम कभी मत करना। असली में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग चीज़ें होती हैं ये, जो भी मूर्ति बनाते हैं वो लोग और जो भी घिसाई करते हैं वो, हैट्स ऑफ टू देम, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो देख लीजिए कितना सारा काम है, अंदर धूल धूल हो रखी है, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है इतनी धूल है इसके अंदर, देख रहे हो? उप्स भरा पड़ा है, घिसाई हो रही है ना वो। तो गाइस पापा कर रहे अभी काम किचन का, और अभी मेरे पापा एग्जाम भी देंगे, कितना खर्चा उठा रहे हैं पापा, खर्चा नहीं मतलब कुछ और ही काम कर रहे हैं, एक मेरी तरफ से किचन की तरफ से हुआ। तो गाइस देखो कितना मस्त काम कर दिया,
देखो पापा ने, देखो कितने तगड़े तगड़े बाल हो गए। तो गाइस शाम के 8 बज गए और मैं 20 मिनट पहले ही फ्री हुआ हूँ। लगभग सारा हो गया है उसकी घिसाई, अब छोटी मोटी हो रहा है, वो कल करूँगा। अभी आज तो सुबह 8 बजे लग गया था, 8 अब बज गए, करीबन 12 घंटे से काम कर रहा हूँ, थक गया हूँ बुरी तरीके से। खाना खाऊंगा और सोऊंगा, कॉम्बी फ्लेम जरूर लूंगा। तो गाइस अब मिलता हूँ आपसे कल, तब तक आप रखिए अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, ऐसा काम भूल के भी ना कीजिएगा, मतलब कीजिएगा पर प्रॉपर एक प्रोटेक्शन के साथ।